जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज सुबह के बज रहे हैं 10:15 और आज का ब्लॉग मैं इतने बजे स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी सारा काम मैंने कर लिया है क्योंकि साधना की तबीयत खराब है, वो आ नहीं रही है, तो मुझे ही अपना सारा काम करना पड़ रहा है। पोंछा लगा रही थी मैं, तो मैंने देखा, मैं लगाने जा रही थी, मैंने देखा, देखो ये हमारी माऊ सो रही है। जैसे छोटा बच्चा सोता है ना, बिल्कुल वैसे सो रही है। और ये ना ऐसे सो रही है, ये पापा के पिलो पर सो रही है क्योंकि दिन में मेरे पापा दीवान पर लेटते हैं, क्योंकि उनको ना बंद रहना चाहिए, गेट भी खुला रहता है तो उनको यहाँ पर अच्छा लगता है। मतलब वो अंधेरे में ना सोते हैं, दिन में रात में, मतलब अंधेरे में रह ही नहीं सकते हैं वो। और ये महारानी यहीं सो रही है, सॉरी महारानी नहीं, हमारा बिल्ला है। और स्वीटी मेरी सो रही है, वो भी मैं आपको जगह दिखा देती हूँ। स्वीटी देखो ये सो रही है, इसको ये जगह बहुत अच्छी लगती है, ये यहीं सोती रहती है। तो लगा रही थी ना, तब ये कूड़ा देखती है, कूड़ा में कुछ मिल जाए ढक्कन वगैरह, तो ये पैर से फिर खेलती है। और ये किचन में मेरा दूध आ गया, दूध गर्म हो रहा है, सारा काम हो गया है टोटली, सिर्फ पोंछा लगाना रह गया, तो मैं पोंछे ही लगाने जा रही थी। और मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला है, क्योंकि दो दिन से तो बारिश की वजह से छुट्टी हो गई थी ना, तो वो लेकिन आज छुट्टी नहीं, तो आज उसका पेपर था, तो बस आने वाला है, जब आ जाए जब भी है। तो मैं सोच रही हूँ ना जल्दी जल्दी पोंछा लगा लूँ मैं, आते ही गएगा, मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो, क्या बनाया है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा चिंता उसको खाने की रहती है, क्या बनाया है क्या नहीं है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी से फ्री हो जाती हूँ। गाइस मैं नहा करके और पूजा करके तो फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आ गया स्कूल से, उसको चाहिए खाना, आते इसने खाने भी पूछा। और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, गोभी आलू की सब्जी बनाई है आज मैंने। आप सोच ऐसी क्यों, मेरे यहाँ ऐसी बनती, क्योंकि मैं लोई की कढ़ाई में सब्जी बनाती हूँ, इसलिए बूंदी रखी है, मट्ठा मैंने मंगाया है, तो गोभी आलू की सब्जी और रायता। चुलबुल की वजह से मुझे ना आलू बनाना ही पड़ता है। ये देखो सामान आया, कपड़े उतार के डाल देता है मेरा। वो था ना बच्चों के साथ न्यू बॉटल आ जाती तो इसी से पानी पीते फिलहाल, तो वो इसी बॉटल से पानी पी रहा है, स्कूल लेके नहीं जा रहा है, स्कूल पुरानी वाली बोतल लेकर के जा रहा है, और इसे घर में इसी से पानी पीना है, उसको गिलास से पानी नहीं पीना फिलहाल। तो गाइस मैं रायते में छौंक लगाने जा रही हूँ। गाइस फाइनली अब मैं घर के सारे काम से फ्री हो गई हूँ, मैंने ताई ने भी खाना खा लिया है, और 12:10 हो रही है। एक काम फिर भी मेरा हमेशा ही रह जाता है, जो यहाँ पर मेरे पापा लेटे हुए हैं, ये देखो अभी कपड़े डले हुए हैं, अभी पूरा एक घंटा ही मान लीजिए। मेरे यहाँ का मौसम धूप हो रखी है। चुलबुल के सारे आ गए, चुलबुल पढ़ रहा है ट्यूशन, और ये मैंने अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है। कल मैं गोपी प्रेस के लिए कपड़ा लेकर के आई थी, तो मैं वही में बना रही हूँ, और मैंने नीचे की स्कर्ट होती है वो मैंने बना ली है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दुपट्टा रह गया, ब्लाउज बनाने के लिए रह गया है।
एक मिनट मैं मोबाइल रख लूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये स्कर्ट तो मैंने बना ली है, बस दुपट्टा और ब्लाउज रह गया है, तो मैं वो भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि कल कल मैंने ये स्कर्ट ही मैंने बनाई है। जल्दी से बना लेती हूँ। ओह माय गॉड, मेरे गर्दन पे ना पीछे किसी ने काट लिया, ऐसा लगा चिट्टी ने, तो मैंने ना खुजली हो रही थी तो मैंने ना मूव लगा लिया, अब वो इतनी तेज काट रही है, बहुत तेज। बहुत तेज लग रही है। चलो काम पे लग जाते हैं। गाइस मैं गोपी ड्रेस बना रही थी, मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही थी। ये देखो, ये यहाँ पे आके बैठ गई है, अब मैं कैसे कटिंग करूं, हटना नहीं है इसको। स्वीटी स्वीटी हट जाओ स्वीटी। ये ऐसी बैठती है, जब मैं सिलाई करती हूँ तो सिलाई के ऊपर जाके बैठ जाती है, यहाँ पर बैठी रहेगी तब फिर मैं इसको हटाऊंगी। ये इसकी आदत ऐसी है, जब भी जहाँ भी काम कर रहे हो वहीं आगे बैठ जाती है। ये देखो, ये देखो। और गाइस हाँ, मैंने स्कर्ट भी बना ली है और मैंने दुपट्टा भी बना लिया है। अब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, हो सकता है शाम तक पूरा बन जाए, क्योंकि अभी ब्लाउज आएगा, सिर्फ ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, तो ये भी हो जाएगा तो उसके बाद मैं कर लूँ, आपको दिखाऊंगी पूरा गोपी ड्रेस, पहली बार मैंने बनाई है। तो गाइस मैं हम कर लेते हैं, ये महारानी तो मेरी उठेगी नहीं, इसको हाथ से पकड़ के उठाना पड़ेगा मुझे। आओ आप इधर आके बैठ जाओ। गाइस शाम के बज रहे हैं 7:10 हो रही हैं, और ये मैंने यहाँ पर भिंडी बनाई है, क्योंकि सुबह मैंने रायता और गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, तो आलू रखे हुए हैं, तो चलो तो वही खा लेगा। बाकी हम लोग भिंडी बना रहे हैं, भिंडी को खा लेंगे और चाय बना रही हूँ। भगोना ऐसा काला हो गया है क्योंकि ये तीसरी बार मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि ये देखो ये चाय बना ली है, लेकिन ये मीठी है, ताई जी मेरी फीकी चाय पीती है, तो आटा मेरा लगा रखा हुआ है। चुलबुल बाहर क्रिकेट खेल रहा है, ताई और पापा बाहर ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये सब मेरी सिलाई का सब सामान फैला पड़ा है, ये गोपी ड्रेस जो बना रही थी बाकी सब कंप्लीट है, ब्लाउज रह गया है बस, ये भी मैं अभी पूरा कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि आज मुझे पूरा कंप्लीट कर देना है, क्योंकि खाना तो अभी कोई खाएगा नहीं, तो फिर सब्जी बना के बस मैं रख रही हूँ, फिर मैं चाय पीऊँ, चाय पीने का। अरे भूल गई यार, ये कपड़े तो पड़े ही हैं मेरे पास, चलो कोई नहीं, ये भी करने के बाद उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी। गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि आज मेरी गोपी ड्रेस कम्प्लीट हो जाएगी, तो मैं फाइनली आपको पूरी दिखा दूंगी कि कम्प्लीट हो गई है, कैसी बनी है, लेकिन बाकी तो सब पूरा बन ही गया है, स्कर्ट भी बन गई, दुपट्टा भी मैंने बनाया, सिर्फ ब्लाउज रह गया, ब्लाउज में सिर्फ फिटिंग देना और बाजू लगाना रह गया है बस, बटन मैं रात को भी लगा दूंगी। तो अब आज तो नहीं लग रहा, मुश्किल है मेरा कि काम भी मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर मेरे कपड़े फैले पड़े हुए हैं, अभी मैंने उठा के ही नहीं रखे हैं, किचन में खाना सब्जी मैंने बना दी है, भिंडी मेरी बन रही है, तो अभी इनको बनने में भी टाइम है, और भी घर पर बस लग रही है मेरी ना चिमनी खराब हो गई है, मेरी शादी के टाइम पे ही लगी थी ये, मतलब मेरी शादी जब हुई थी उसी टाइम में लगी थी मम्मी, तब से कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन अब ये खराब हो गई है, जब भी मैं कुछ छोड़ती हूँ तो महक आती है, सब जितने घर में लोग हैं ना सब छींकने लग जाते हैं, मुझे भी छींक आने लगती है। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।